कला एवं साहित्य के संरक्षण संवर्धन तथा कलाकारों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कला एवं साहित्य एकेडमी द्वारा स्टील क्लब सेक्टर 8 भिलाई में गीत संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अंचल के प्रसिद्ध संगीत दलों तथा गायकों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। गायकों ने अपनी सुमधुर गायकी की प्रस्तुति देकर सबका दिल जीत लिया। कला साहित्य अकादमी हमारी संस्था है और ये संस्था सदस्यों की या कलाकारों की संस्था नहीं है, बल्कि ये संस्थाओं की संस्था है। यहाँ पर जितने मेंबर्स हैं उन सब के ग्रुप्स हैं। जैसे मेरा खुद का एक ग्रुप है, यूनिवर्सल पपेट थिएटर, सुधार थिएटर एकेडमी, इनका एक ग्रुप है मुट्ठी, इस तरह से हमारा ग्रुप है। और हमने ये सोचा है कि पूरे जिले में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हम लोग हर कला के कलाकारों को उचित संरक्षण दें, मार्गदर्शन दें और उनके शो के लिए ज़मीन तैयार करें। इसके अलावा अगर उन्हें कुछ आर्थिक सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, कोई बीमारी होती है, जो भी होता है, तो उसे हम लोग सहयोग कर सकें, ये हमारा उद्देश्य है। सूत्रधार, पपेट, बाल रंग, चिल्ड्रन थिएटर, मुट्ठी, इप्टा, हर तरह के प्रोग्राम करते हैं। हमने थिएटर का प्रोग्राम भी किया, ड्रामे का, म्यूज़िक का भी किया है, इंस्ट्रूमेंटल का भी करेंगे भविष्य में। इस तरह के हर तरह के कला को हम लोग सामने लाएंगे, साहित्य को भी हम लोग सामने लाएंगे, कविता मंचन, इस तरह की चीज़ें भी हम लोग आगे में करेंगे। हमारी संस्था का उद्देश्य यह है कि कला और कलाकारों को बढ़ावा देना, मंच प्रदान करना, वो तो हुआ, एक ही बात हुई। और ख़ासकर जो कला साहित्य अकादमी का जो नाम हम लोगों ने दिया हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण जो बच्चे जो आने वाले हैं, और इतने समय से जो बच्चे हम लोगों ने भी काफ़ी समय से काम किया, तो अभी उन बच्चों के लिए आगे की जगह नहीं मिल रही है। और लोगों का खासकर इस इलाके में कि प्रोफेशनलिज्म वाली बात नहीं आ रही है, अभी भी लोग फ्री में देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन कलाकारों को जिनको ज़रूरत पड़ती है, जिनका घर चलता है और पूरा टाइम देते हैं सवेरे से शाम तक या
पाँच पाँच घंटा देते हैं, उसके बाद उनकी अर्निंग का उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ों का ऐसा किया कि थोड़ा प्रोफेशनल इसको किया जाए और लोगों को एक आदत बने कि यार एंटरटेनमेंट देखने के लिए शायद हमें कुछ एक कुछ देना पड़ेगा, तो वो अपना एक कंट्रीब्यूट करें और उन कलाकारों को मिल सके। उसमें सभी वर्ग के लोग थे, हम लोगों ने बच्चों को भी सोलो सॉन्ग्स को दिया था और कुछ ड्यूएट भी थे उसमें जो बच्चों के थे और जो अपने आप में काफ़ी अच्छा गाते भी हैं, पर एक तो मंच उनको मिला और ऑडियंस भी मिली। और उसके साथ में हमने सबसे ज़्यादा देखा तो वो बच्चे बहुत छोटे बच्चे नहीं थे, बट जो मैक्सिमम लोगों ने जो इन्वॉल्वमेंट था वो उनका था 45 एंड एबो वर्ग का। उसमें लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे। अब वो 45 वाले एबो वाले जितने थे उन्होंने जो मज़ा लिया और जो वाइफ्स जो मतलब हाउस वाइफ्स हैं और ये अपने प्रोफेशन से भी जुड़ी हुई हैं वो सब भी शाम को आके अपना इतना आनंद, प्रैक्टिस में तो बहुत मज़ा आ रहा था। नहीं नहीं, हमने कोई इनाम नहीं रखा था, उनकी सिर्फ परफॉर्मेंसेस थी। आर्थिक सामाजिक अभिव्यक्ति का संरक्षण संवर्धन करना और उसे प्रोत्साहित करना, यही उद्देश्य है हमारा। इस उद्देश्य को हम लेकर के चल रहे हैं और हमारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों को जनता तक पहुँचाने के लिए हमारे जो ग्रेट एशियन न्यूज़ के द्वारा जो पहल की जा रही है, जो हमारा साथ दिया जा रहा है, सहयोग दिया जा रहा है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारी बात वाकई में ग्रेट एशियन न्यूज़ के ज़रिए बहुत लोगों तक पहुंच रही है, इसका प्रतिसाद भी हमें मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।